सुनने सुनाने का टाइम गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए समझ रहे हो, समझ रहे हो। अरे इतना परेशान, सो वेलकम टू माय सब्सक्राइबर टू योर वॉइस हाइड्रेशन चैनल। सो गाइस, मनोज तिवारी उनके ऊपर एक वीडियो मिल गई है जो कि तरीके की रोस्ट वीडियो या ट्रोल वीडियो, तो चलो देखते हैं हम लोग उस वीडियो को और देखते हैं कि हम लोग कुछ ओपिनियन रख सकते हैं या नहीं रख सकते। बाकी आप लोग खुद जानते हैं आप लोगों को क्या क्या करना है, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों को बताओ फ्री प्रमोशंस के बारे में। अगर आपके यूट्यूब चैनल कोई भी गलत चीज को प्रमोट नहीं किया है तो मैं आपको फ्री में प्रमोट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग मुझे वहां जाके फॉलो कर लेना, मेरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना। सेकेंड थिंग, अगर आपको प्रमोट करवाना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग मुझे फॉलो करके कुछ भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे डीएम करके आप लोग मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कि आप लोगों को कौन से टॉपिक पे सच्चाई चाहिए या मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं। या फिर सेकेंड थिंग, मैं आपको खुद ब खुद कहीं ना कहीं आपकी वीडियो सर्च फीड पे आएगी या मुझे अच्छी लगी तो मैं आपको खुद ब खुद प्रमोट कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुनने सुनाने का टाइम गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए समझ रहे हो, समझ रहे हो। अरे इतना परेशान होने का कौनो जरूरत नहीं महाराज, काहे कि अभी बीजेपी नेता और मोदी भक्तों के लिए मोदी जी को भगवान बनाना आम सी बात हो गई है, पता है ना आप सबको। तो बात ऐसा है ना, ये वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि मोदी भक्तों की तरह एक सांसद भी मोदी जी को भगवान मानने लगे हैं। अरे देखिए ना कैसे मनोज तिवारी कैमरा ऑन करके चप्पल उतार कर पूजा करने आते हैं और भगवान राम को प्रणाम करते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, और फिर पैर भी छूते हैं और फिर मोदी जी को नमन करते हैं और झुककर प्रणाम भी करते हैं। अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मनोज तिवारी तो भगवान राम की तरह पीएम मोदी की भी एक तरह से पूजा कर रहे हैं। अच्छा, तो भाई ये वही मनोज तिवारी वो भाजपा के सांसद है जो बात बात पर कई बार भगवान का अपमान खोज लेते हैं। अब इस वजह से लोग ये भी सवाल उठा रहे कि अगर इसी जगह पे कोई विपक्षी पार्टी का नेता होता तो अब तक तो बवाल मच चुका होता। बात तो सही है। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर के तरफ से तरह तरह के प्रतिक्रिया आने शुरू हो गए। तो इसी पे आशीष सिंह लिखते हैं, हम बहुत हंसी आ रही है, आप राम जी से ज्यादा कहीं मोदी जी के सामने झुके। तो एक और यूजर लिखते हैं, मोदी जी को भगवान मान ही चुके ये लोग। तो अमित श्रीवास्तव लिखते हैं, मोदी जी के ऊपर भी गेंदा फूल का माला चढ़ा देते और चार अगरबत्ती जला देते, कहां से लाते हो इतने चाटुकदारी दिमाग। मोदी जी की भक्ति क्यों करते हो आप? देखिए ये आपका अपना आकलन है, आकलन आप दिखता है, आपके ट्वीट्स में देखता है आप बिल्कुल। पहले आप कहते थे मोदी जी अगर संगम में नहा रहे तो आप कह रहे हैं स्नान से पाप नहीं धुलते, लेकिन अब मोदी जी को बिल्कुल आप बिल्कुल आकलन है। सुनिए हमारा और कुछ और लोगों का भी इंटरव्यू इस पे कीजिए, इससे क्या है कि ये वीडियो हिट होगा और आपके फॉलोअर बढ़ेंगे। रुको जरा, मैं भागे नहीं, भागने से काम नहीं चलेगा, नौकरी बचाने की जद्दोजहद है भाई, मैं अपने कवरेज पर हूँ ना, नौकरी की मजबूरी है, इसको चलाइए, इससे आपके फॉलोअर बढ़ेंगे। बहुत से लोगों ने भैया मैं जमीन नहीं बचा नौकरी के लिए, आपने क्यों बेच दिया? इस समय ये वीडियो भी सोशल मीडिया में जम के वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एबीपी न्यूज के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को एक यूट्यूबर पत्रकार ने रोककर सवाल पूछना शुरू कर दिया। शुरू में अभिषेक उपाध्याय ने सोचा होगा ये मेरा कोई फैन है, ये मेरा तारीफ करेगा, साथ ही मोदी जी की भी कामों का प्रशंसा करेगा, लेकिन यूट्यूबर पत्रकार ने अभिषेक उपाध्याय से ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि एबीपी न्यूज के पत्रकार को वहां से भागना पड़ गया। अच्छा बात नहीं है। जिस यूट्यूबर पत्रकार ने ये इंटरव्यू किया था वो इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं, नाले में गोता खाकर रिपोर्टिंग करने वाला जबाज रिपोर्टर इंटरव्यू देने की जगह जब भाग खड़ा हुआ। मानना पड़ेगा महाराज। और हाँ, जाते जाते चैनल वा को सब्सक्राइब और लाइक वाला बटन वा को नाक से जरूर दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, आप लोग क्या चाहते हैं कि इस पे आप क्या ओपिनियन रख सकते हैं? मैं एक ओपिनियन रख सकता हूँ कि जब खुद पे बारी आई तो लोग भागने लगे, ठीक है। देखिए कैसा सवाल पे भाग रहे थे। तो गाइस आप लोग भी अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। सबसे और दूसरी चीज, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये चैनल को मैंने इतने बार प्रमोट करा हूँ, कुछ तो बात होगी ना इस चैनल पे। तो भाई सच्चाई देखो तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आपके भाई के चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। तो भाई आज की वीडियो बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।